गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन इंग्लिश दैट इज लेसन नंबर 29 एंड्रोसिल्स एंड द लायन। ये स्टोरी एक स्लेव्स की है, ये उस जमाने की स्टोरी जब लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। ओके, ये एंड्रोसिल्स बहुत ही काइंड जेंटलमैन और कटेजियस मैन थे और इनके जो मास्टर थे वो बहुत ही क्रूल थे। तो उस टाइम पे जो किंग है या जिनके पास पैसा होता था वो गरीबों को या अपना गुलाम बन के रखते थे और जो भी उन लोगों से कहा जाता था उनको वो करना होता था। भले ही वो अपने मास्टर से खुश ना हो तो भी उनको वहीं पर रहना होता था और ये एक लॉ होता था कि उनको ओबे करना ही है। ओके, अब जो मास्टर है वो कैसे थे, उनको भूखा भी रखते थे और मारते भी थे तो उनको वो सर्व करना ही होता था। अब नाउ वो एक अपॉर्चुनिटी देखते थे वहाँ से भागने के, भले ही वो वहाँ से भाग गए थे बट वो कोवर्ड नहीं थे। कोवर्ड मीन्स डरपोक नहीं थे। उन्होंने एक शेल्टर में अपनी जगह ली, फॉरेस्ट ने अपना शेल्टर बना लिया और वहाँ पे रहने लगे। वो क्या थे, वहाँ पे जो बीस्ट घूमते थे एनिमल्स वगैरह से डरते नहीं थे। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड और उनको इस बात के लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके सर पे छत नहीं थी। वो वहाँ पर फ्री थे एज अ बर्ड और जो चाहिए वो कर सकते थे। सो एज ही वॉज वॉन्डरिंग, ऐसे वो घूम रहे थे तो उनको क्या हो गया, जंगल लायन सामने आ गया। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि वो पलट के जल्दी से उड़ जाए, मतलब एक एग्जांपल दिया यहाँ पर। बट ही सॉ दैट लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम। बट उन्होंने क्या नोटिस किया कि लायन उनको देखकर उसने मूव नहीं किया, ना ही तो वो चिल्लाया और ना ही तो वो लपका उनके पीछे। इनफैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन अ ग्रेट पेन। और वो एकदम पीटीएसली मीन्स पेटी करके तरस खा के देख रहा था जैसे कि वो बहुत ही पेन में हो। तो एंड्रोसिल्स क्या हो गए, रुक गए वहीं पर। उन्होंने कॉशियसली मूव किया और स्टेप बाय स्टेप वो लायन के आगे जाने लगे। तो लायन ने क्या बोला, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो वो और लायन के और करीब जाते हैं, अपना सर नीचे करता है लायन और वो अपना जो पाव है वो दिखाता है। तो देन एंड्रोसिल सॉ दैट द लायंस पाव वाज वाउंडेड सोर एंड स्वॉलन। उसने देखा तो वहाँ पे क्या है, जख्म भी है, सूज भी गया है और सोरिंग है, मतलब पेनिंग है। जैसे ही वो क्लोजर लुक लेने लगे एंड्रोसिल्स, उन्होंने नोटिस किया कि उसके हाथ में क्या लगा हुआ है, बड़ा सी कांटा लगा हुआ है। ओके, गिट्टों में। सो यही कॉज है लायन के डिस्ट्रेस होने का, ऐसा ये जो है बहुत ही स्ट्रेस में है, बहुत दर्द में है, यही वजह है। नेक्स्ट, अपना सब करेज इकट्ठा करके उन्होंने लायन के आगे सम्मन किया, एंड्रोसिल्स का हाथ लिया और स्लोली वो इंजर्ड पाव को अपने हाथ में लेके वो उसको निकालने लगे। ही वॉज अफ्रेड डैट द लायन वुड अटैक हिम इफ इट टच्ड हिज स्वॉलन पाव। उनको डर था कि जैसे ही, उनका इंटेंशन तो गुड है, अच्छा इंटेंशन है कि ये अगर मैं निकाल दूंगा तो इसका जो भी है वो कम हो जाएगा, बट वो डर रहे थे कि कहीं वो ज़्यादा हो जाए तो हमको मारने ना लगे, मुझे वो लायन जो अटैक ना कर दे। एंड्रोसिल्स टुक द लायन इंजर्ड पाव इन हिज लेफ्ट हैंड में लिया। ही क्विकली डेफली, ही यहाँ पे देखो दिखाए, डेफली का मतलब है क्विकली, पुल्ड आउट द थॉर्न, जल्दी से निकाल दिया। देन टियरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथ, अपने ही कपड़े का एक पीस फाड़ा और उसके ऊपर लपेट दिया। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पाव, टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिफ्ट हिज आर्म एज इफ ही शो ग्रेटिट्यूड। देखो, आपने डॉगी को अगर कभी पाला होगा तो प्यार से क्या करता है, आपको अपनी जिबान से लीक करने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। तो वैसे ही लायन ने भी किया, शो ग्रेटिट्यूड, मतलब अपना प्यार दिखा रहा था वो। एंड्रोसिल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, वो जब तक वहीं पर थे जब तक वो वापस से चलने नहीं लगे। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, और वो एनिमल्स के साथ अपना खाना हंट करने के बाद उसके साथ शेयर करते थे। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वाउंड, और एक डॉक्टर कैसे उसको क्लीन करने के बाद ड्रेसिंग करते थे वैसे वो करते थे। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, मैनी टाइम इट फॉलोड एंड्रोसिल्स व्हेरेवर ही वॉन्ट। अब वो दोनों दोस्त हो गए।
In the meanwhile, Androcel's masters had complained to the authorities that his slaves Androcel's had run away. थोड़े ही टाइम में क्या हो गया, उनके मास्टर्स को कंप्लेंट कर दिया वहाँ की अथॉरिटी ने, देख के एंड्रोसेल्स भाग गया है। अब सोल्जर्स को और सब जगह पर देखने के लिए छोड़ दिया गया सब डायरेक्शन में कि उसको पकड़ के लाओ, और उन लोगों ने हाय लो ऊपर नीचे हर जगह उनको सर्च किया, बट उनको लास्ट में मालूम पड़ा कि एंड्रोसेल्स एक फॉरेस्ट में रहता है। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोसेल्स हैड गॉन आउट अलोंग दैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव। अंडरस्टूड। अब एंड्रोसेल्स बाहर जाता था, और अगर एंड्रोसेल्स अंदर केव में रहता था तो लायन बाहर बैठा रहता था उनके साथ। बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। अब दो लोग दोनों क्या किए, दोनों को सोल्जर्स ने पकड़ लिए। द सोल्जर्स उन लोगों को बाहर वापस लेकर आए सिटी में, और एंड्रोसेल्स को चेन में जेल में डाल दिया गया, और लायन को केज में डाल दिया गया। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as a punishment. और अगर कोई क्राइम करता था उस टाइम पे तो उन लोगों को शेर को खाना खिला दिया जाता था, वाइल्ड एनिमल्स को खाने के तौर पे उन्हीं को दे दिया जाता था। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम ऑफ दैट टाइम। देयर फॉर एंड्रोसेल्स टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। उनको भी एक शेर को खाना बना के खिलाने वाले थे। At the opposite end, a gate was raised and ferocious lion was released into the arena. अब वो लायन को भूखा रखा गया और दूसरी गेट पे उनको खड़ा रखा गया और उनको छोड़ दिया गया। It had been kept hungry to make it more ferocious, मतलब more dangerous. Androcels was filled with fear, but he put up on brave front. अब Androcels को भी बहुत ही डेंजर, मतलब वो डर गए थे, और अब उनको ये ब्रेवली सामने आके फेस करना था। द लायन सॉ एंड्रोसेल एंड रन्स टुवर्ड हिम बाउंडिंग एंड रोलिंग। वो देखा उसने कि मेरा खाना आ गया, और वो चिल्लाते हुए रोर करते हुए, लायन रोर करता है, वो उसकी तरफ भागने लगा, और एक जगह पे आके वो सडनली रुक गया, फिर स्लो स्लो मूव करके आगे आया। ऑल इट्स रेस सीम टू हैव मेल्टेड एंड्रोसेल सॉ दिस टू ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को पहचान गए। टू एवरी वन अमेजमेंट, सब लोग एकदम अमेज हो गए, अमेजिंग लगा सबको ये कि क्या हो रहा है। और लायन ने बाउंड किया, मतलब सर अपना झुका दिया एंड्रोसेल्स के सामने। और अगेन बट वैन इट रीच्ड हिम द लायन इट बिगेन टू पॉर एंड रब हिज। और जैसे उसने अपने दोस्त को देखा, तो हम हमारे दोस्त को देख के कैसे करते हैं, गले मिल जाते हैं, उसके कान में बोलते हैं अरे मैं तुझे कितना मिस कर रहा था, और उसको कान रब करने लगा एक दूसरे से, वो लोग अपनी नाक रब करने लगे, और एंड्रोसेल्स को हग कर लिया लायन ने, और दोनों रिलीफ और जॉय से रोने लगे। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द वो दोनों एक जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी थी वो और एम्परियर दोनों एक दूसरे को देख के एकदम, मतलब ये क्या हो रहा है, एक भूखा लायन है, वो खा नहीं रहा इंसान को, ये क्या हो रहा है। पीपल वहाँ के जो लोग थे वो चिल्लाने लगे एंड्रोसेल्स को छोड़ दो, एंड्रोसेल्स को छोड़ दो। द एम्परियर एंड्रोसेल्स आस्क्ड एंड्रोसेल्स टू एक्सप्लेन द लायन स्ट्रेंज behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and the beast. और वो खुद इस चीज़ को देख कर नरम हो गए। He ordered that Androcels should be set free. He would no longer be a slave. और उन्होंने अपनी गुलामी से उसको आज़ाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो शेर लायन जो किंग है वहाँ का, उसको अपना गुलाम बना लिया, प्यार से गुलाम बनाया। बट when the Emperor asked Androcels what other reward he would like. Androcels replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free. हमको कुछ नहीं चाहिए, उसने रिवॉर्ड मांगा, और लायन उसको पूछा गया कि एम्परियर ने कि आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए, क्या प्राइस है, तो उसने बोला लायन को छोड़ दो। The two friends went back to the forest to live a free life. Okay? ये क्या है, इसका मीनिंग है, आपका मीनिंग आपको लिखना है। ओके, बाय बाय।